नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पहले कंटोला कह लीजिए या मीठा नीम कह लीजिए, ककोड़ा कह लीजिए, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पाइन गॉर्ड या स्पाइनी गॉर्ड। तो दोस्तों, आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन हमें सब्ज़ी खानी क्यों चाहिए और ये मानसून के टाइम पे अवेलेबल होती है क्यों? क्योंकि दोस्तों, मदर नेचर ने हमें ब्लेस किया है इस टाइम जो है मानसून के टाइम पे, वेदर चेंज होने की वजह से कफ़, कोल्ड, वायरल फीवर, एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस समय हमें मानसून में इतनी बढ़िया सब्ज़ी मिलती है जिस जो कि प्रोटीन से, वाइटामिन सी से, आयरन से भरपूर है, जो कि इतनी ताकत रखती है कि हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को हटा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। इनफैक्ट दोस्तों, ये कैंसर तक को भी प्रिवेंट कर सकती है। और आयुर्वेद में इसे इस दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी का दर्जा प्राप्त है, दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी। दोस्तों, जो लोग प्रोटीन के लिए नॉनवेज की तरफ देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर वो स्किप करना चाहें तो नॉनवेज से वेज की तरफ आने के लिए, फिर भी उनके मसल्स, उनकी बॉडी उससे भी ज़्यादा ताकतवर बनेगी जितना कि वो नॉनवेज खा करके बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर मीट से बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, नॉनवेज से बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों, इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। जो लोगों को वेट लॉस करना है, जो लोगों को अपना जो लोग वेट लॉस पे हैं, और जो लोगों को पेट में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है फाइबरस होने की वजह से, ये सब्जी में जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, पेट हमारा भरा रहता है। 100 ग्राम सब्जी खाएंगी तो सिर्फ 17 कैलोरी मिलती है इसमें। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं ये सब्ज़ी आज आपको बताऊंगी। मैं दोस्तों ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, ताकि हमें मदर नेचर ने जो प्रोवाइड किया है उसका हम भरपूर आनंद ले सके। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ककोड़ा, कंटोला, स्पाइन गॉर्ड, मीठा नीम, जो भी आप इसको लिख कह लीजिए, ये मैंने लिया है। और इसको बहुत अच्छे से जो है मैंने 5 से 6 बार पानी के नीचे जो है इसको 5 से 6 मिनट पानी में रख के, इसको जो है चलते पानी में रख के इसको चलाया है, साफ़ किया है। मैं इसको स्क्रैच नहीं करूँगी, मैंने इसको बीच में से काट लिया और अब मैं इसके स्लाइस कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इतने साइज़ के ही ये स्पाइन गॉर्ड अवेलेबल होते हैं, और कई जगह पे ये बहुत छोटे छोटे भी प्रोवाइड होते हैं। तो जहाँ पे आपको छोटे छोटे मिले तो वहाँ पे आप इसको अपने साइज़ जो आपको पसंद हो उसमें काट लीजिए, गोल गोल काट लीजिए जैसे भी। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जी कट करके तैयार है, और बस इसको करते हैं तड़के की तैयारी। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो लिया है सरसों तेल गरम किया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला है। जीरा भी टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज स्लाइस में कटा हुआ रफली, आप ये भी ऑप्शनल है। खाली आप इसको ऐसे भी दोस्तों जो है ना सरसों तेल में नमक मिर्च हल्दी के साथ भी इसको पकाएंगे ना, तब भी ये बहुत बढ़िया लगती है। तो 1-2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। और फिर इसको हम जो है 1-2 मिनट के लिए और चला लेंगे, ताकि हल्दी हमारी जो है वो अच्छे से पक जाए। दोस्तों, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, कैंसर से हमें बचाती है। हाई बीपी के लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है ये सब्ज़ी है। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं इसके। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों हमारे कटे हुए स्पाइन गॉर्ड, और साथ में मैंने जो है ये 2 हरी मिर्ची भी ले ली थी। और इसको मिक्स करने से पहले मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं वो यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ करिए। और अब हम इसको जो है कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये ध्यान रखना है, गैस इस वक्त हमारी जो है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और जो है सब्जी जो है हमारी अच्छे से मसालों से कोट हो जाएगी अभी, और फिर हम इसको दोस्तों जो है ढक करके पकाएंगे बिल्कुल धीमी गैस पे।
दोस्तों अच्छे से मिक्स हो गई है सब्जी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी गैस पे ढक कर के पकाएंगे। दोस्तों जिन लोगों को अपनी बॉडी बनानी है, मसल्स बनाने हैं, वो डेली इसका कंजम्पशन करें, बहुत फ़र्क दिखेगा उनको। बॉडी एकदम ताकतवर भी हो जाएगी, फौलादी बॉडी हो जाएगी। 5 मिनट के बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं सब्जी को स्टर करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी अच्छा खासा जो है मॉइस्चर है, और ये मॉइस्चर हमें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना है, इसीलिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दोस्तों एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली कटा हुआ। दोस्तों सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसके अंदर अपना पानी बहुत होता है, उसी पानी के अंदर हमें इसको पकाना है। अब अच्छे से इसको कर लीजिए मिक्स, और फिर से हम इसको दोस्तों जो है ना 5 मिनट के लिए फिर से हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो टोटल 10-12-13 मिनट में ये सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए हम इसको जो है ना लो से मीडियम गैस पे स्टर करेंगे, ताकि इसका जो है कलर बहुत अच्छा आ जाए, हमें थोड़ी सी जो है क्रंची लगे। देखिए दोस्तों अब कितनी टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है जब हम इसको जो है बिना ढके इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लास्ट में सब्ज़ी को पकाते हैं, और ये हमारी सब्ज़ी बन करके हो गई है, एकदम ताकतवर सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार, बहुत ही कम मसालों में। दोस्तों जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है उनको तो सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए, और जिनको अपने मसल बनाने हैं उनको भी ज़रूर खानी चाहिए। हर किसी को इनफैक्ट ये सब्ज़ी खानी चाहिए, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको खिलानी भी चाहिए, खानी भी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, आप इसको हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेरे चैनल बाइट विद गौर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कमेंट हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।